अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इशफाक शाह, क्रिकेट की एक और न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकार खतरे में पड़ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट के मुतालिक हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकार खदशात का शिकार है। एशियन क्रिकेट कौंसिल ने ताहाल मुलतवी शुदा अजलास के बारे में अराकीन को आगाह नहीं किया। एशिया कप के वेन्यू का फैसला करने के लिए एसीसी का अहम अजलास मार्च के शुरू में दुबई में शेड्यूल था, तहम कोरोना वायरस के बायस अजलास को मुलतवी कर दिया गया है और फैसला किया गया है कि आईसीसी के अजलास के साइडलाइंस पर ही दोबारा अजलास होगा जिसमें अहम फैसले कर लिए जाएंगे। एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने करना है, लेकिन भारत के पाकिस्तान आकर ना खेलने की वजह से वेन्यू का फैसला होना बाकी है, जिसके लिए दुबई और ढाका को उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि एशिया कप के नकाद को मौजूदा सूरत हाल में ख़तरे का सामना है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह नेकबान।